Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. और दोस्तों, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और कल रात को ही मैं दिल्ली आया था. जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा 2-3 दिन का ट्रिप था जयपुर के लिए, तो वहां पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और वहां पर काफी मॉन्यूमेंट्स हैं. जयपुर जो है वो बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है. तो अगर अभी तक आप जयपुर नहीं गए हैं तो जयपुर जरूर जाएं. जयपुर जाके आपको पता चलेगा कि जयपुर एक्चुअल में है क्या. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारे मन से, हमारे माइंड से जुड़ा हुआ टॉपिक है. जहां पर आप ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके लाइफ में जो लॉस हुआ है उसके पीछे की वजह क्या थी. मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसके चक्कर में मुझे ये लॉस हुआ, मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया, मुझे मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, मेरे घर का जो सुख है वो छिन गया, मेरा जो लविंग पार्टनर है वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए और जो मेरे एम्प्लॉयज थे वो मुझे छोड़ के चले गए, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे गुरु ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पब्लिक ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बड़े भाई ने मुझे छोड़ दिया. तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आपकी लाइफ में ये लॉस हुआ, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे. और लॉस की सबसे बड़ी वजह जो है वो है आपका मन, आपका माइंड, जो आपका दिमाग है और जो आपका मन है, जो आपके इमोशंस हैं, उसके कारण ही कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों का लॉस हुआ. तो उसको जानते हैं. पहले चार्ट बनाता हूं आप लोगों के लिए और यहां से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉस की एक्चुअल वजह क्या है. और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मून अगर किसी पर्टिकुलर हाउस में बैठा है तो उससे 12th अवे जो हाउस बनता है या हाउस आता है उसकी चीजों को क्यों नहीं करना चाहिए. आज मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीज यहां पर बताने वाला हूं कि जहां पर मून प्लेस्ड होता है, जहां पर हमारा माइंड लगा हुआ होता है या जहां पर हम इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, उसके कारण किस किस चीज का लॉस होता है. तो जानने की कोशिश करते हैं. आइए चलते हैं चंद्रयान की तरफ. सो ये है आपका चंद्रयान. चंद्रयान, आई एम जस्ट किडिंग यार, चंद्रयान नहीं, आपका चार्ट है, लगन चार्ट. तो ये है आपका लगन चार्ट और इस लगन चार्ट में अगर आपका मून अगर फर्स्ट हाउस में है, अगर यहां पर मून प्लेस्ड है और फर्स्ट हाउस की चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़े हुए हैं, यानी अपनी पर्सनालिटी से अगर आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो सेकंड हाउस की चीजों का लॉस हो जाता है. बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली वैल्यू है, आपकी फैमिली है, आपकी सेविंग है. तो सारा ध्यान अगर आपका अपनी तरफ रहेगा तो फैमिली से आपका ध्यान हट जाता है, इसलिए फैमिली वैल्यू वेल्थ सेविंग का लॉस होता है अगर मून अगर आपके फर्स्ट हाउस में. तो मून अगर आपके सेकंड हाउस में होगा तो थर्ड हाउस की चीजों का लॉस होता है. थर्ड हाउस की चीजें बिगड़ जाती हैं, यानी आपका जो स्किल है वो बिगड़ जाएगा. अगर ऑल टाइम अगर आप पैसे के पीछे लगे रहेंगे, मनी को सेव करते रहेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो जो आपका स्किल है वो खराब हो जाएगा. और जो लोग आपके साथ काम करते हैं उन लोगों के साथ जो आपका रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो आपका मैनेजमेंट है. जो आप पब्लिक के साथ मिलके काम करते हैं, अपने ऑफिस में जाके काम करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपना शेड्यूल प्लान करते हैं, वो आपका थर्ड हाउस है. थर्ड हाउस यानी जो आपको बहुत ज्यादा बिजी करता है. और ये है आपका सेकंड हाउस यानी फैमिली. जब आप फैमिली मैटर के अंदर ही घुसे रहेंगे तो थर्ड हाउस की चीजों को नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपके थर्ड हाउस का लॉस होगा. अब मून अगर आपके थर्ड हाउस में आता है तो फोर्थ हाउस की चीजों का लॉस हो जाएगा.
मून अगर आपके थर्ड हाउस में है, यानी अगर आप ऑल टाइम कम्युनिकेट करते रहोगे, लोगों से बात करते रहोगे, इंटरनेट वाईफाई में बिजी रहोगे, तो उसके चक्कर में आपका फोर्थ हाउस बिगड़ेगा। नेचुरल सी बात है, कहीं भी हम बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर हमारे कंफर्ट्स का लॉस होता है। तो इस तरीके से आपके फोर्थ हाउस का लॉस हो सकता है अगर आप थर्ड हाउस की चीजों में इमोशनली जुड़े हुए हैं। सो बी केयरफुल। मून अगर आपके फोर्थ हाउस में होता है तो फिफ्थ हाउस की चीजों का लॉस होता है। फोर्थ हाउस यानी आपका कंफर्ट्स, आपका सुख, आपके आराम की जगह। तो ऑल टाइम अगर आप कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, आराम से अपनी जिंदगी को चला रहे हो, सुख की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो आपका जो क्रिएटिव टैलेंट है वो बिगड़ जाएगा। फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएशन की जगह है। फिफ्थ हाउस ऐसी जगह है जहां पर आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय करते हो, मिलते हो, बातें करते हो, घूमते हो, फिरते हो, वो सारी चीज आपकी फिफ्थ हाउस है। लव एंड रोमांस का संबंध भी आपके फिफ्थ हाउस से है, स्पोर्ट्स का संबंध भी आपके फिफ्थ हाउस से है। तो जब आप घर में ही घुसे रहोगे, ऑल टाइम कंफर्ट्स की चीजों में पड़े रहोगे या कंफर्ट्स के बारे में सोचोगे, तो फिफ्थ हाउस की चीजों का लॉस हो जाएगा। अब अगर आपके मून फिफ्थ हाउस में है तो सिक्स्थ हाउस की चीजों का लॉस होगा। यानी अगर आप कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, कुछ भी चीज क्रिएट करते हैं, अपने माइंड से कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं, या लव एंड रोमांस में अगर आप पड़े हुए हैं, या दोस्तों के साथ अगर आप ऑल टाइम इन्वॉल्व हैं, फन की चीजों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, या आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं, गेम खेलना आपको पसंद है, स्पोर्ट्स की चीजें आपको पसंद है, तो सिक्स हाउस यानी डेली के काम का लॉस, आपकी जॉब का लॉस। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और उसके साथ अगर आप कहीं पर फन की चीजों में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो आप काम कब करेंगे, पब्लिक ड्यूटी कब करेंगे, लोगों को सर्विस कब प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए आपके सिक्स हाउस का लॉस हो जाएगा। और मून अगर आपके सिक्स हाउस में है, तो सेवेंथ हाउस का लॉस होगा। यानी ऑल टाइम अगर आप पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, या पब्लिक के बीच में रहेंगे, या लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो परेशान हो जाएगा। इसलिए अगर मून सिक्स हाउस में है तो ज्यादा लोगों की तरफ ध्यान मत दो, तो इसलिए आपको चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना है। मून अगर सेवेंथ हाउस में है तो एट्थ हाउस का लॉस हो जाएगा। अगर मून सेवेंथ हाउस में है और आप सारा ध्यान अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर लगा रहे हो, आपको ये अच्छा लगता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा हस्बैंड है या जो मेरी वाइफ है, उसी की मैं केयर करूं, उसी के बारे में सोचूं, उसी के साथ रहूं, तो जो एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस यानी रिसर्च, आपका रिसर्च बिगड़ जाएगा। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो रिसर्च करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वहां पर अगर आप सारा टाइम अगर अपने लाइफ पार्टनर को दे रहे हो, तो आप रिसर्च कब करोगे, तो वो चीजें आपकी बिगड़ जाएंगी। ठीक है। मून अगर आपके एट्थ हाउस में है तो आपका नाइन्थ हाउस बिगड़ जाएगा। एट्थ हाउस यानी तंत्रा मंत्रा, सीक्रेट नॉलेज, और नाइन्थ हाउस यानी जो आप भगवान के ऊपर बिलीव करते हो, गॉड के ऊपर बिलीव करते हो, अपने गुरु के ऊपर बिलीव करते हो, वो नाइन्थ हाउस है, जहां पर हम अपनी आस्था दूसरे लोगों से जोड़ देते हैं, अपने गुरु से जोड़ देते हैं, अपने टीचर से जोड़ देते हैं, वो नाइन्थ हाउस है, जहां पर हम ये सोचते हैं कि भगवान हमें कुछ दे, जहां पर हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें दे। और एट्थ हाउस क्या है, तंत्रा, जहां पर हम किसी को फॉलो नहीं करते, जहां पर हम ये मानते हैं कि मैं तंत्र मंत्र के द्वारा हर चीज को हासिल कर सकता हूं, तो वो एट्थ हाउस है। तो आपके नाइन्थ हाउस का जो आपका बिलीफ है वो बिगड़ जाएगा। मून अगर आपके नाइन्थ हाउस में है और ऑल टाइम अगर आप ज्ञान ध्यान की चीजों में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं,
धर्म की यात्रा में लगे हुए हैं तो आप पब्लिक विजिबिलिटी में कब आएंगे, पब्लिक ड्यूटी जो है आपकी वो आप कब करेंगे, बिकॉज 10th हाउस यानी आपका कैरियर। और 9th हाउस जो है वो 10th हाउस से 12th अवे, तो धर्म की चीजों में अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्ञान की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपका जो कैरियर है वो बिगड़ जाएगा, आपका जो कैरियर है वो खराब हो सकता है। इसलिए यहां पर थोड़ा सा बैलेंस करना है, ज्ञान की चीजों में पढ़ें लेकिन ये भी ध्यान दें कि आपका जो कैरियर है कहीं वो ना खराब हो जाए, राइट। अगर मून अगर आपके 10th हाउस में आता है तो 11th हाउस का लॉस होता है। अगर ऑल टाइम आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लाइक मी, मेरा मून जो है वो 10th हाउस में है, अपने एग्जल्टेशन में है, तो दोस्त यारों से मैं नहीं मिल पाता हूं तो किस चीज का लॉस हो रहा है, फ्रेंड लोगों का लॉस हो रहा है, दोस्त लोगों का लॉस हो रहा है, आपकी कम्युनिटी का लॉस हो रहा है, क्योंकि सारा फोकस काम की तरफ, सारा फोकस आपके कैरियर की तरफ है, आपके काम की तरफ है, पब्लिक ड्यूटी की तरफ है। तो पब्लिक ड्यूटी को जब मैं ऑल टाइम कर रहा हूं तो जो मेरे मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनसे मैं बहुत ही कम मिल पाता हूं। तो इस तरीके से 11th हाउस का लॉस होता है। बट बीच बीच में मैं टाइम निकालता हूं, अपने दोस्तों से मिलता हूं, उनको बुलाता हूं, उनके पास जाता हूं, वो चीजों को मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूं। मून अगर आपके 11th हाउस में है तो 12th हाउस का लॉस हो जाएगा, यानी ऑल टाइम अगर आप अर्निंग के पीछे लगे हुए हैं और इनकम के सोर्सेज अगर बना रहे हैं, दोस्तों के बीच में इन्वॉल्व हैं, तो ज्ञान की चीजें आपसे छूट जाएंगी, बिकॉज 12th हाउस जो है वो ज्ञान का हाउस है, आध्यात्म का हाउस है। 12th हाउस पारलौकिक ज्ञान है, 12th हाउस जो है वो योगा और मेडिटेशन का हाउस है, जहां पर आप एकांत में बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो वो 12th हाउस है। तो जब आप ऑल टाइम दोस्तों के बीच में रहोगे, पार्टीज में इन्वॉल्व रहोगे, इनकम के चक्कर में पड़े रहोगे, तो ध्यान कब लगाओगे, आध्यात्म की चीजों में आपको ज्यादा गेन नहीं हो पाएगा। और आध्यात्म की चीजों में अगर आपको गेन करना है तो आपके अंदर एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। आप जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक आप अकेले नहीं रहेंगे, तो 12th हाउस की चीजों को नहीं कर पाएंगे। मून अगर आपके 12th हाउस में है तो आपकी जो पहचान है 1st हाउस, उसका लॉस हो जाता है। यानी अगर ऑल टाइम अगर आप आध्यात्म में लगे हुए हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और लोगों से वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो जो आपकी पहचान है वो बिगड़ जाएगी, आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप 12th हाउस की चीजों में चले गए। 12th हाउस यानी आइसोलेशन, एक ऐसी जगह जहां पर इंसान अकेले रह के योगा करता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, वो जहां पर लग जाता है उसके कारण हम दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उसके चक्कर में दूसरी चीजों का लॉस होता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बना हुआ है और आपको ये लगता है कि भाई इसके कारण मेरा इस चीज का लॉस हुआ है, या मेरे लाइफ पार्टनर का लॉस हुआ है, मेरे घर का लॉस हुआ है, बच्चों का लॉस हुआ है, और वो लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं, तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है और आप उस चीज को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।